शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बाबा वो त्रिगुण सोलंकी भू माफिया है, बाहुबली है, उसका सामना हम बल से नहीं कर सकते, उसके लिए कानून है ना। अच्छी बिटिया, यही तो आभास कराना है त्रिगुण सोलंकी को कि वो हर नियम और कानून से ऊपर नहीं है। ये क्या हो गया है आपको, कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका काम नहीं है, ये कानून का काम है, पुलिस का काम है। सुमित्रा, पुलिस त्रिगुण को सजा दिला सकती है, उसे वो सब कुछ नहीं दे सकती। त्रिगुण ने जो 1 करोड़ रुपए लेने का मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, मेरे चरित्र पर जो दाग लगाया है, वो कानून नहीं धो सकता। बाबा, बाबा वो त्रिगुण सोलंकी यही चाहता है, वो हमें अंदर से तोड़ना चाहता है, हमारे आत्मविश्वास को कुचलना चाहता है वो। पर बाबा, हमें अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास रखना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो हमारे लड्डू गोपाल ही कर रहे हैं। उसी बिटिया, समझ ले, आज जो मैंने कदम उठाया है वो लड्डू गोपाल की प्रेरणा से उठाया, यही उनकी इच्छा। जहां कहीं भी होगे ना, वो देख रहे होंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वतः अहम औषधम्। श्याम सुंदर जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा, मैं ही यज्ञ करने वाला हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही मंत्र हूं, यज्ञ में पड़ने वाला घृत भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ, और सबका कारक भी मैं ही हूँ। इस संसार में सब कुछ मेरी इच्छा से घटता है, और मेरी सदा ये इच्छा रहती है कि अधर्म के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अधर्म की शक्ति तभी तक है जब तक धर्म अपनी शक्ति नहीं दिखाता। जग के भगवान से फुर्सत मिल जाए तो कभी घर के भगवान की भी पूजा आरती कर लिया कीजिए। चलिए कर लीजिए अपना पूजा पाठ, तब तक मैं उस डीएसपी गोपीनाथ की पूजा करके आता हूँ। सुनिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, अगर आपके पास समय है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वसुंधरा जी, भले ही मैं आपके लिए आपके भगवान के बाद आता हूँ, लेकिन मेरे लिए आपका स्थान नंबर 1 है, मेरा सारा समय आपके लिए है। आपसे कुछ समय बच जाता है तो वो मैं थोड़ा बहुत दुनिया को दे देता हूँ। तो ठीक है, आइए बैठते हैं। आज तो उल्टी गंगा बह गई है, धर्मपत्नी जी स्वयं रुकने के लिए कह रही हैं। और आदमी को क्या चाहिए दुनिया में। लीजिए, बैठ गए हैं। बोलिए, ऐसी क्या बात है सुंदरा जी? आपको नहीं लगता कि भगवान ने आपके विरुद्ध सारे रास्ते खोल दिए हैं? रास्ते खोल रहा है? यहाँ तो एक ही रास्ता है, वो भी बाहर जाने का है। इस तरह तुलसी का आपके विरुद्ध खड़े होना, फिर डीएसपी गोपीनाथ पुंडीर का उसके साथ मिलना, आपको नहीं लगता इसमें भगवान का कोई संकेत छुपा हुआ है? संकेत तो है, बहुत बड़ा संकेत। आपको क्या लगता है किस ओर संकेत कर रहे हैं आपके भगवान लड्डू गोपाल? नहीं समझी? कैसे समझेंगी? आपने राजा मंत्री चोर सिपाही वाला खेल जो नहीं खेला है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। देखिए, राजा तो हूं मैं, और बात बात पर ज्ञान देने वाली मंत्री हैं आप, और चोरी का इल्जाम लगा है तुलसी के बाबा पर। एक पुलिस की कमी थी तो डीसीपी गोपीनाथ पुंडीर आ गए। अब देखिएगा
अब आएगा असली खेल का मजा। बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे, वो त्रिगुण सोलंकी है तो मनुष्य ना। दैहिक दैविक भौतिक ताप भय उसे भी तो लगता होगा ना, उसे मुझे वही आभास दिलाना है। बाबा समय खुद उसे उसके कर्मों का आभास कराएगा, उसके लिए आपको मथुरा जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुलसी बिटिया यदि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे ना तो वो समय कभी नहीं आएगा। भांडी जी ना आए वो समय, ना मिले हमें तुलसी धाम पर, मैं आपको मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। सुमित्रा मैं अपनी कथाओं में कहता रहता हूँ लाभ हानि जीवन मरण इस लड्डू गोपाल के हाथ में है, किंतु अपने दिए हुए ज्ञान की राह पर मैं कभी नहीं चल पाया क्योंकि मैं डरता था। कभी तुलसी के लिए, कभी तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। अब मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। यदि आपने त्रिगुण किया जाने का निर्णय ले लिया है तो ठीक है, पर हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको वहां अकेले नहीं जाने देंगे। बस बाबा खोलिए। तुलसी ये मेरी लड़ाई है, इसीलिए मैं अकेला ही लड़ूंगा। इतना बड़ा खेल शुरू होने वाला है और आप बिना आरती उतारे भेज देना चाहती हैं मुझे खेल के मैदान में। उतारिए अपने पति परमेश्वर की आरती। उतारो 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 आरती। सरकार डीएसपी ऑफिस जाएगी लाने, गाड़ी तैयार खड़ो है। क्या कह रही थी आप? सही कह रही थी आप। आपके भगवान लड्डू गोपाल ने सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब हर रास्ते पर सबको रौंदती हुई सरपट तोड़ेगी त्रिगुण की गाड़ी। चल रहे संपात। व्यक्ति किसी को इस प्रकार बंद करना, उन्हें रोकना उचित नहीं है। बाबा, तुलसी, तुलसी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तुलसी बेटा रुक जाओ, बाबा को रोकना ही होगा। तुलसी सब ठीक तो है, तुम इस तरह कहाँ भागे जा रही हो? पंखी बालक तुम, हम बाबा को रोकने के लिए जा रहे हैं। पर हुआ क्या है? ये बताने का समय नहीं है बिबाल, मैं बाबा को रोकने मथुरा जाऊंगा आपका। तुलसी रोकना तो मुझे ही होगा तुलसी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बाबा पिछले 21 वर्षों से स्वयं से क्रोधित थे, स्वयं से रुष्ट थे। यदि उनका ये क्रोध नहीं निकला तो उनका जीवन असंभव हो जाएगा। स्कूटी को क्या हो गया? तुलसी तुलसी बेटा, ये भगवान लड्डू गोपाल का संकेत है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए अपने बाबा के पीछे मथुरा। नहीं, हम बाबा का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें मथुरा जाना ही होगा। तुलसी मेरी बात तो सुन। अब तो तुम्हें रोकने का बस एक ही मार्ग है तुलसी। त्रिगुण चरण की बाहर निकलो, बाहर निकलो त्रिगुण चरण के।
दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शेमालू टीवी पर।